आज हम पालक और मटर की मज़ेदार और टेस्टी सब्जी बनाएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए 2 टमाटर, 1 प्याज, 3-4 कश्मीरी लाल मिर्च, 6-7 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे हम बॉईल करेंगे। तो उबलते हुए पानी में डाल देंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक डाल के उबालेंगे। ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे हम। अब ये पालक आधा किलो को साफ करके मैंने उबाल लिया है और छान लिया है, और फ्रेश मटर हमारे पास है, इसे भी हमने उबालकर सॉफ्ट कर लिया है। ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें पालक को डालेंगे, थोड़ा धनिया पत्ता इसमें डालेंगे और इसका प्योरी हम तैयार कर लेंगे। एक बाउल में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और कढ़ाही चढ़ाएंगे या पैन, उसमें तेल डालेंगे 3 चम्मच, सरसों का गरम करेंगे और जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 2 हरी इलायची और काली मिर्च 2-3 डालकर हम चटका लेंगे और पीसे हुए पेस्ट को हम इसमें डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। कवर कर देंगे, छींटे पड़ेंगे इसलिए, तो कवर करके पकाएंगे। फिर कवर हटा के इसको ये मिक्स करेंगे। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा पाउडर, और हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पालक की प्योरी हम डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें सॉफ्ट किया हुआ मटर का दाना हमने रखा है उबालकर, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, और पानी डालकर इसे हम कवर करके फिर से पका लेंगे। तो लो फ्लेम में इसे हम छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक, इस तरह से इसको चलाकर कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा हरा भरा ये सब्जी तैयार हो गया है। पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नए हैं चैनल में तो। तो ये देखिए हरा भरा हमारा ग्रीन सब्जी बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी बनाइए, बहुत टेस्टी बना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।